मानसा में मूसा गांव में ये आयोजन होगा। मानसा में मूसा गांव में अंतिम अरदास का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी इसमें जताई जा रही है। सिद्धू मूसेवाला के लिए अंतिम अरदास का आज आयोजन, मानसा में मूसा गांव में अंतिम अरदास रखी गई है। तो आज तमाम लोग पहुंचेंगे, सिद्धू मूसेवाला के फैंस भी उनमें शामिल होंगे, रिश्तेदार, उनसे प्यार करने वाले तमाम लोग आज अंतिम अरदास में शामिल होंगे। सिद्धू मूसेवाला को एक बार फिर याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि देते ये तमाम लोग नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी सुशील मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज अंतिम अरदास का आयोजन हुआ है मानसा में, क्या जानकारी है? अगर पॉलिटिकल किसी चेहरे के पहुंचने की बात की जाए तो क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है या और क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, आज अंतिम अरदास मनाया, आज अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है उनके पैतृक गांव जो मूसा वाला है, मानसा के अंतर्गत मूसा वाला गांव है, वहां उनके घर पे आयोजन किया जा रहा है। और जितने भी फैंस हैं, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में जो उनके फैंस थे वो सब जन सैलाब की तरह उमड़े हुए थे, सबने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी थी। और आज अंतिम अरदास का आयोजन किया जा रहा है। हम आम भाषा में समझें तो जो जिस तरह से तेरहवीं का आयोजन होता है तो वो उसी संदर्भ में वो अंतिम अरदास कहते हैं। आत्मा की शांति को लेकर यह आयोजन हुआ और माना जा रहा है कि आस पड़ोस के जितने भी इलाके के लोग हैं, जिनके फैंस हैं, सब लोग वहां पहुंच रहे हैं और एक बड़ा जन सैलाब वहां एकत्रित हो रहा है और वे सब लोग नम आंखों से आज उनकी आत्मा की शांति के लिए यह अंतिम अरदास में शामिल हो रहे हैं और कर रहे हैं। तो तमाम लोग होंगे जिनमें उनके फैंस भी शामिल होंगे और परिवार वालों के भी पहुंचने की, तमाम रिश्तेदार यहां पर पहुंचेंगे, आज अंतिम अरदास में शामिल होंगे। आपसे फिर से मैं सुशील पूछना चाहूंगी, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा व्यक्ति या कोई चेहरा भी इस दौरान क्या पहुंचेगा आज? निश्चित तौर पर, देखिए कल ही राहुल गांधी जिस तरह पहुंचे थे, इससे पहले गृह मंत्री देश के वहां पहुंच चुके हैं, भगवत मान जो मुख्यमंत्री है वो लोग पहुंच चुके हैं। अब जो लोकल, क्योंकि अमूमन अंतिम अरदास में हम देखते हैं कि जो आसपास के लोग यारे प्यारे अपने होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो वहां पहुंचते हैं और एक प्रार्थना सभा होती है और प्रार्थना सभा के तहत सब लोग प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। चलिए ठीक है, अंतिम अरदास का। चलिए सुशील, बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सिद्धू मूसेवाला के लिए अंतिम अरदास का आज आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम उनके चाहने वाले अंतिम